जान लेते हैं कि आज आपको हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या रणनीति होगी सर? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत ग्लोबल मार्केट से मिले जुले कोई खराबी वाले नहीं है, हमारे बाजारों के अपने संकेत भी ठीक है। एक अच्छी तेजी के बाद कल भारतीय बाजार थोड़े सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे और कमोबेश वैसे ही काम अमेरिका में भी हुआ। पूरे दिन भर में अमेरिका में डाउ की रेट आप देखिए 100 पॉइंट की रही है और एकदम फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी है और आज भी कोई बहुत तेजी या मंदी के संकेत ग्लोबल मार्केट से आ नहीं रहे, तो हम रेंज में ही ट्रेड करेंगे और रेंज के निचले सिरे के आसपास पहुंचेंगे तो वहां खरीदारी करेंगे, ऊपरी सिरों के आसपास पहुंचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से निचले सिरों का इंतजार करेंगे। अभी तक बाजार का ट्रेंड और टेक्सचर तेजी की तरफ ही है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं। लंबे समय बाद कल FIIs की तरफ आंकड़े भी थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे हैं, यानी कि एक अच्छे रनअप के बाद बाजार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय यहाँ बिताना चाहते हैं और उसका फायदा आपको सही सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करके करना है और वो लेवल है 21,225 से 21,300। निफ्टी के लिए आज अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तर पर 21,475 21,500 आपके लिए रुकावट की रेंज है। एक बार 21,525-550 के ऊपर निकल कर टिका तो निफ्टी ब्लू स्काई जोन में होगा, नई रेंज में पहुंचेगा, वहां पर फिर से एक ब्रेकआउट की खरीदारी करनी है, अदरवाइज सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने की राय होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 48,000 के थोड़ा सा नीचे हमने क्लोजिंग देखी है, 47,525-47,725 ये बैंक निफ्टी की पहली सपोर्ट रेंज है। एक बार शायद यहाँ पर आपको मौका मिलेगा और 47,500 के आसपास ज्यादा सेफ्टी है खरीदारी करने के लिहाज से। ऊपरी स्तर पर 48,000 के आसपास हल्की फुल्की सी रुकावट है, एक बार 48,000 को पार तो ऊपर में 48,075 से लेकर 48,200 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। एक बार 48,200 के पार निकल कर निफ्टी टिका तो निफ्टी भी ब्लू स्काई जोन में जाएगा, वहां से फिर एक ब्रेकआउट वाली खरीदारी बनेगी। तो ये लेवल से रेंज जिस पर आपको फोकस करना है, डायरेक्शन क्लियर है, तेजी की तरफ है, बायो इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखें, सपोर्ट लेवल के आसपास एंट्री करें।